स्वागत है आप सबका वैटिलिटी T20 ब्लास्ट के एक और वीडियो के अंदर। मुकाबला है यहाँ पर मिडिलसेक्स बनाम हैम्पशायर के बीच में, जो खेला जाएगा रेडलाइट के ऊपर। मैच टाइमिंग है रात के 9 बजे। तो फिर से आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेम देखने को मिलेगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए। इस वेन्यू के ऊपर बहुत कम मैचेस होते हैं, छोटा सा मैदान है, हाई स्कोरिंग वेन्यू होता है। तो आपको यहाँ पर किस तरह से टीम बनानी है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले लास्ट मैचेस के रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो लास्ट मैच था नॉटिंघम और लैंकाशायर का, उस गेम में आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 मेंबर्स के अंदर पहला रैंक आया था। तो कोशिश करेंगे अपन वही फॉर्म लेके चले आगे और 24 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें। 24 के 24 कॉन्टेस्ट पे वन साइडेड विनिंग करी थी। कोशिश करते हैं और बेटर करें, सीखते चले, साथ के अंदर आगे बढ़ते चले, ये हमेशा मेरा फॉर्मूला रहा है। और उससे पहले एक और गेम था सॉमरसेट वर्सेस एसेक्स का, जिसमें 11 मेंबर्स में पहला रैंक आया था। तो कोशिश करता हूँ और बेटर करें हमेशा कहता हूँ मैं, क्योंकि फैंटेसी क्या है, एक दिन आप चाहे 1 करोड़ जीत जाओ फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप उसको कैसे हमेशा कंसिस्टेंट रखते हो मैटर करता है। ठीक है, लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, पर कोशिश करेंगे वो लेके चलें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, यूट्यूब के ऊपर अपडेट देना मुश्किल हो जाता है, जैसे पिच की फोटोज हो जाती है, टॉस के टाइम कोई अपडेट आ जाती है, वो सारी मैं जानकारी टेलीग्राम पे देता हूँ। जुड़ना कैसा है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। नया मैदान है, इस सीजन में पहली बार इस वेन्यू के ऊपर मैच हो रहा है, रेडलाइट सीसी के ऊपर। सीसी मतलब काउंटी ग्राउंड, रेडलाइट सीसी पे मैच है। तो इस वेन्यू के ऊपर लास्ट टाइम कोई T20 का मैच हुआ था 7 जून को, लास्ट ईयर 7 जून 2022 को। आप कह सकते हो लगभग 1 साल बाद यहाँ पे मैच हो रहा है ये। ठीक है, आप देखो ये स्वर्णी पर लास्ट मैच था ना, ये सेम टीम के बीच में ही मैच था, मिडिलसेक्स वर्सेस हैम्पशायर का बीच में मैच हुआ था 7 जून 2022 को। उस गेम में देखो क्या हुआ था, जो टीम पहले बल्लेबाजी करने आती है 142 पे 7 विकेट गवा देती है, फिर जो टीम चेस करने आती है यहाँ पर, वो यहाँ पे 12 ओवर के अंदर टारगेट चेस कर जाती है। इट्स ए हाई स्कोरिंग वेन्यू, बहुत रन बनते हैं, 168 बना। उससे पहले जो टीम चेस करने आती है 1900 ओवर के अंदर टारगेट चेस कर जाती है 4 विकेट से, 229 बना टीम 200 बना जाती है, 170 बना टीम 18वीं ओवर के अंदर टारगेट चेस कर जाती है, 179 बना। और यहाँ पर आप देखें जो टीम चेस करने आती है 18 ओवर के अंदर 157 बना देती है, DLS मेथड के कारण यहाँ पे ग्लौस्टरशायर को जीत दे दी जाती है जो टीम चेस कर रही होती है। उससे पहले 215 बना, और जो टीम चेस करने आती है भाई साहब 2 बॉलर का टारगेट चेस, 215 का टारगेट। इट्स ए हाई स्कोरिंग वेन्यू, रन हमेशा बनते हैं। इस वेन्यू के ऊपर मिडिलसेक्स ने 7 मैच खेला, 5 मैच जीता, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इनका। हैम्पशायर यहाँ पे 2 मैच खेली है, 1 मैच जीती और 1 मैच हारी है। बात करते हैं इस वेन्यू के ऊपर प्रति ओवर 9.5 के आसपास रन बनते हैं, और इस वेन्यू पे जो लास्ट मैच था मिडिलसेक्स हैम्पशायर का, उस गेम के अंदर 5 विकेट पेसर का था और 3 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स का था, इतना आपको याद रखना है। ओवरऑल बॉलिंग फिगर्स देखो इस वेन्यू के ऊपर, लास्ट 6 मैचेस के अंदर पेसर्स ने 45 विकेट निकाला है, पहली बारी में 31, दूसरी बारी के अंदर 14। तो फर्स्ट इनिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे फास्ट बॉलर्स। राइट आर्म पेसर का 42, लेफ्ट आर्म पेसर का 3 विकेट है। अब मैं थोड़ा साइड होता हूँ, स्पिनर्स देखो आप 28 विकेट है, पहली बारी में 13, दूसरी बारी के अंदर 15। तो स्पिनर्स दोनों बारी में लगभग बराबर का काम करते हैं, ऑफ स्पिनर्स का 6, लेग स्पिनर्स का 12, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 10 विकेट है, इतना आपको याद रखना है। ये देखो आप लास्ट टाइम जब मैच होता तो पिच ऐसी दिख रही थी, बढ़िया पिच रहती है, पिच पे हल्की सी ग्रास आपको दिखती है जो पिच को होल्ड करके रखती है, स्लो नहीं होती पिच, उससे ग्रास पिच पे आपको दिखती है। तो ये बैन मैकडरमॉट कीपिंग कर रहे थे, डॉसन बॉलिंग कर रहे थे, जॉन सिम्पसन स्ट्राइक पे थे, जैक डेविस नॉन स्ट्राइक के ऊपर थे। तो ये थी भाई साहब उस मैच की पिच की फोटो जो आप देख सकते हो। इस स्टेडियम का व्यू है, बड़ा खूबसूरत मैदान, पास में आपको हरियाली दिखती है, स्टैंड्स नहीं है यहाँ पे, जनता जमीन के ऊपर आप या फिर कह सकते हो कुर्सी के ऊपर वहाँ पे बैठ के मैच देखती है, जो कह सकते हो आप इस तरह से कुछ व्यू रहता है यहाँ पे मैचेस देखने का। ये देखो आप ऐसा स्टेडियम, एकदम ओपन स्टेडियम है, जैसा अपना क्लब क्रिकेट में होता है ना ऐसा स्टेडियम है। ये आप देखो इस तरह से स्टैंडिंग, मतलब ऐसा वो नहीं है जैसा अपन डग आउट देखते हैं यहाँ पर, या फिर आप देखते हो कुर्सियाँ लगी रहती है ऐसे, सीटिंग अरेंजमेंट वैसा नहीं है यहाँ पे। छोटा सा मैदान, हाई स्कोरिंग वेन्यू, लेट्स सी क्या होता है इस वेन्यू के ऊपर। मिडिलसेक्स की बात करें, स्क्वाड के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, हैम्पशायर के अंदर चेंज है, निक गुबिन स्क्वाड के अंदर आए हैं और यहाँ पे टॉम प्रिस्ट इंजर्ड हो चुके हैं। टॉम प्रिस्ट जो वन डाउन खेलता था, याद करो इंग्लैंड का भी प्लेयर है वो, अंडर 19 का आई मीन। मिडिलसेक्स वर्सेज हैम्पशायर, दोनों टीम्स ने 39 मैच खेला है, रिवर्स एनकाउंटर है ये। हाल ही के अंदर दोनों टीम्स ने रोजबॉल साउथहैम्पटन पे फेस किया था मई के अंदर, वहाँ पे हैम्पशायर जीती थी, जेम्स विंस ने 88 रन की नबाद पारी खेली थी। दोनों टीम्स ने 39 मैच खेला, मिडिलसेक्स 14 जीती है, हैम्पशायर 22 जीती है, 3 मैच नो रिजल्ट गया इनके। 11 की बात करें अब,
तो स्टेफन ज़िंगान्स जी ओपन करते हैं यहाँ पर अलोंग विद जो क्रैकनेल, पीटर मलान ओवरसीज कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका, वन डाउन आते हैं, मैक्स होल्डन टू डाउन लेफ्टी बैटर है, रॉयल एगिंस आते हैं, जैक डेविस विकेट कीपर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, ल्यूक हॉलमन लेफ्टी बैटर, मार्टिन एंडरसन, जोशुआ डी क्रीज राइटी बैटर ऑफ स्पिनर है, टॉम हेलम ब्लैक कुलीन आपको यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे। तो इस टीम के पास पहले 5 बॉलर्स हैं, 1 2 3 4 5, छठवां बॉलर रियान एगिंस होगा इफ रिक्वायर्ड। लास्ट गेम में रियान एगिंस ने बॉलिंग नहीं करी, जरूरत ही नहीं पड़ी। तिलन वाला वाटिया खेल सकता है, लास्ट मैच खेला था ये मार्टिन एंडरसन के बदले, पर इस वेन्यू के ऊपर नहीं खेलना चाहिए तिलन वाला वाटिया को, छोटी सी बाउंड्री से स्पिनर को खिलाना मतलब डेंजरस है। विंस ओपन करेंगे, कप्तान है बेन मकडमने के साथ, दोनों की जोड़ी सुपर हिट जोड़ी है, टॉबी एल्बर्ट वन डाउन, जो वेदरली, रॉस वाइटली, लियम डॉसन, जेम्स फुलर, एलिस स्कॉट करी, क्रिस वुड, मैसन ग्रीन, तो ये टीम अब 6 बॉलर्स खिलाने लग गई है। लियम डॉसन, जेम्स फुलर, 2 बॉलर यहाँ पर हो गए और नीचे 4 बॉलर्स हो गए, तो ये टीम 6 बॉलर के साथ उतरती है। इसमें से आप 4 और कंफर्म ले लो, क्रिस वुड के, नथन एलिस के, लियम डॉसन के, ये आप मान के चलो 3 बॉलर्स, 4 4 वो डालेंगे डालेंगे कम से कम। स्कॉट करी भी डाल देते हैं वैसे, मैसन ग्रीन और फुलर के ओट्स कट जाते हैं बाई चांस जितना मैंने देखा है। अब देखो यहाँ पे स्टेफन ज़िंगान्स की बात करते हैं, 8 मैच 21 की औसत, 167 रन, 133 का स्ट्राइक रेट है, हेड टू हेड नंबर्स ठीक ठाक है इनके, 43 16 33 5 21 31, स्टेज के ऊपर 16 1, ठीक ठाक नंबर्स, इतने स्पेशल नंबर्स नहीं है। लास्ट टाइम भी 31 बनाया था इसने रिवर्स फिक्चर के अंदर, बैटिंग फर्स्ट 41 पूरे T20 करियर के अंदर, चेस के ऊपर 26 की औसत है। इस वेन्यू के ऊपर स्टेफन ज़िंगान्स भी बहुत अच्छा खेलता है, 7 मैचेस खेला है, लगभग 300 रन है, वैसे 274 रन है, स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर है, बैटिंग फर्स्ट 28 87 21, चेस के ऊपर 12 1 91, नाबाद 34। रिसेंट फॉर्म कंसर्न रहा है बट ही इज अ सीरियस टैलेंटेड प्लेयर, हर सीजन में आता है 400 से 500 रन बना के जाता है हर सीजन के अंदर। जो क्रैकनेल का 5 मैच के अंदर 98 रन है, एट टू के अंदर 4 3 6, चेस के ऊपर 8 और 77 है, वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस के अंदर 233 रन है, रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है इस बंदे का, 67 26 3 बैट फर्स्ट, चेस के ऊपर 77 13 47, तो ये स्टैंड आउट परफॉर्मर्स रह सकता है इस गेम के लिए। छोटा सा मैदान इस कंडीशंस को ये फुलफिल करता है, जहाँ पे छोटी बाउंड्रीज होती है, अटैकिंग प्लेयर है, बाउंड्रीज इजिली क्लियर कर लेता है ये। पीटर मलान हेड टू हेड में 80 रन बना चुका है, वेन्यू के ऊपर नहीं खेला। मैक्स होल्डन का 6 मैच में 151 रन है, अगेन दिस टीम नंबर्स बहुत अच्छे रहे हैं, बैटिंग फर्स्ट 22 12 40 35 6, चेस के ऊपर 36 है, वेन्यू के ऊपर 4 बार खेला है, 4 मैच खेला है, बैटिंग 3 बार करी, 103 रन है, 27 35 बैट फर्स्ट, चेस के ऊपर 42 है। फिर आते हैं यहाँ पे अपने रैगिंस, 10 मैच में 130 रन है, 129 वैसे, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 4, बॉल सेकंड 4 मैच में 5 विकेटें हैं, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 4 विकेट, 73 रन है, बैटिंग फर्स्ट 19, चेस के ऊपर 20, नाबाद 34, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 4 विकेट हैं। ये सीजन इनका बहुत ख़राब गया है, 1 रन लास्ट मैच में, उससे पहले 6 रन 0 विकेट, 19 रन 0 विकेट, 24 रन 1 विकेट, 27 रन, तो बॉलिंग इस सीजन में बहुत ख़राब करी है। वैसे अच्छा बॉलर है, 100 के अंदर भी आके अच्छी बॉलिंग कर चुका है वैसे ही, इस साल फॉर्म कंसर्न रहा है। जैक डेविस का 4 मैच में 105 रन है, एट टूड में अच्छे नंबर्स, बैट फर्स्ट 23 47 34, चेस के ऊपर 1, वेन्यू के ऊपर 34 रन करा हुआ है, फॉर्म भी अच्छा है, 46 नाबाद, 32 4 नाबाद, 64 29 14, 41 0। लुक हॉलमन 5 मैच के अंदर 6 विकेट, एट टूडे के अंदर, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 2, बॉल सेकंड 3 मैच में 4 विकेट हैं, 2 बार विकेट लस गया, 9 की इकोनॉमी, 15 का स्ट्राइक रेट, वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 5 विकेट है, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 1, बॉल सेकंड 3 मैच में 4 विकेट है, तो बॉल सेकंड में लुक हॉलमन कैन बी द स्पेशल गाय, लेट्स सी इस गेम में क्या करता है बंदा ये। मार्टिन एंडरसन का 4 मैचेस के अंदर 2 विकेट है, एट टूडे के अंदर 48 रन बल्ले से है, इस वेन्यू के ऊपर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पे बाउंड्री छोटी होती है, मार्टिन एंडरसन आके वहाँ पे अच्छी बॉलिंग कर सकता है। इसके पास यॉर्कर्स अच्छी है, इसके पास वेरिएशन अच्छे हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है, 3 मैच में 46 रन और 5 विकेट है स्वर्णी के ऊपर, लेट सी खेलेगा तो मेरी टीम में पक्का हुआ है ओवर अदर प्लेयर्स। जशुआ डी साइवरस या काइरस जो कहते हैं भाई को, लास्ट गेम इसने खेला 18 रन 1 विकेट निकाला, उससे पहले सेकेंड 11 के लिए खेला था प्रैक्टिस मैचेस। टॉम हेलम 9 मैचेस में 5 विकेट, एटपुट के अंदर बहुत खराब नंबर से, लास्ट टाइम बात भी करी थी और विकेटलेस गया था ये, 3 मैचेस के अंदर 1 विकेट है बॉल फर्स्ट, बॉल सेकंड के अंदर 6 मैच में 5 4 विकेट है, 9 मैचेस खेल गए, 5 बार विकेटलेस गया, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 2 विकेट है, दोनों बार बॉल फर्स्ट किया है। रिसेंट फॉर्म पिछले 4 मैचेस में बहुत खराब रहा है, पिछले 4 मैच में सिर्फ इसका 2 विकेट है। ब्लैक कुलेन 3 मैचेस में 2 विकेट, हेड टू हेड के अंदर वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 4 विकेट है, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक रहा है, डेथर में बॉलिंग नहीं कर रहा फिलहाल, ये नई गेंद से बॉलिंग करता है ज़्यादा और मिडल फेस में। जॉन सिम्पसन
22 मैचेस में 29 की औसत, हेड टू हेड में वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 97 रन्स। नेथन फर्नांडिस, टॉबी रोनाल्ड जॉन्स अच्छा प्लेयर है ये बहुत, पर इसको 11 में पता नहीं क्यों जगह नहीं मिल रही। तिलन वाला वाठिया हेड टू हेड में 3-3, वेन्यू के ऊपर 3-3। स्टार्टिंग ऑफ टॉम हेलम, ब्लैक कुलेन, जैक स्वाइवस, मार्टिन एंडरसन, डेथर के अंदर मार्टिन एंडरसन, टॉम हेलम, रैन इगिंस। पिछले गेम में देखो टॉम हेलम का था पहला 3rd, 15th, 19th, ब्लैक कुलेन का 2nd, 5th, 11th, रियान इगिंस लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया याद रखो, लुक हलमन का 8th, 12th, 14th, 17th था, तिलन वाला वाटिया 6th, 8th, 13th, 18th। चलते हैं यहाँ पे जो दूसरी टीम है अवे टीम जो फेवरेट्स इस मैच के लिए, हैम्पशायर। 24 मैचेस के अंदर 42 की औसत है, जेम्स विंस बहुत पसंद करते हैं इस टीम को, 840 रन है, 145 का स्ट्राइक रेट इस टीम का, अगेंस्ट 7 50s है, 4 30-50 के बीच में स्कोर किया है। 30 का मतलब क्या होता है, 30 से 50 के बीच में कितनी बार स्कोर किया है, 4 बार किया है 24 इनिंग्स के अंदर। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 85 रन है, इंपॉर्टेंट होगा छोटी बाउंड्रीज है, पिछले 4 मैच में कंसिस्टेंसी देखो, 71 लास्ट मैच में नाबाद, 103 चैलेंजॉर्ड पे जहाँ पे छोटा मैदान था, सेम ऐसी कंडीशंस है, 88 नाबाद, 88 नाबाद, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है विंस, भाई अपना प्लेयर टू वॉच आउट रहेगा इस गेम के अंदर। बैन मैकडर्मट 3 मैचेस में 150 रन 28 83 39, इस वेन्यू पे एक बार खेला 83 किया, सोचो आप विंस और बैन मैकडर्मट की जोड़ी इज लाइक हेल फॉर द मिडल सेक्स आप कह सकते हो। टॉबी अल्बर्ट हेड टू हेड खेला 2 बार, बैटिंग दोनों बार नहीं आई, वेन्यू के ऊपर 1 बार खेला उसमें भी बैटिंग नहीं आई। आमतौर पर टॉबी अल्बर्ट नंबर 7 या नंबर 8 पे बैटिंग करता है, पर अब टॉम प्रीस्ट इंजर्ड है इसलिए टॉबी अल्बर्ट आपको वन डाउन खेलता हुआ दिखेगा, प्रैक्टिस गेम्स में अच्छे फॉर्म में था तो आप इसको प्लान्स में रख सकते हो जहाँ पर बाउंड्रीज छोटी होती है। जो वेदरली 7 मैच में 17 की औसत 85 रन, वेन्यू के ऊपर 1 ही बार बैटिंग करी है, 2 मैचेस खेल के 41 किया था बैटिंग फर्स्ट। वाइटली 3 मैच में 27 रन, आउट ऑफ फॉर्म लगे हैं सीजन में, क्या ही कहूँ भाई साहब, बहुत ख़राब फॉर्म है इनका फिलहाल, वेन्यू पर 1 बार खेला बैटिंग नहीं आई थी। लियम डॉसन का 2 मैचेस के अंदर वेन्यू के ऊपर 3 विकेट है, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 3, बॉल सेकंड 1 मैच में 0 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर 12 विकेट्स 18 मैचेस के अंदर। लेट्स सी क्या करता है लियम डॉसन, पिछले 3 मैचेस के अंदर लियम डॉसन 8 विकेट निकाल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। चैलेंजॉर्ड पर 4 विकेट निकाल के आ रहा था जहाँ पे छोटी बाउंड्रीज थी। फुलर 12 मैचेस में 8 विकेट हेड टू हेड के अंदर, बॉल फर्स्ट 5 मैच में 7, बॉल सेकंड 3 मैच में 1 विकेट, हेड टू हेड के अंदर 8.7 की इकोनॉमी है, 18 का स्ट्राइक रेट है, 18 बॉल में 1 विकेट निकाल पाता ही है, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 1 विकेट है, तो फुलर नई गेंद से बॉलिंग कर रहा है आजकल। एलिस 2 मैच में 3 विकेट, इंपॉर्टेंट वेरिएशंस करता है, फैंटेसी वैल्यू है। क्रिस वुड का 20 मैच में 20 विकेट, हेड टू हेड के अंदर बॉल फर्स्ट 12 में 12, बॉल सेकंड के अंदर 7 मैच में 8 विकेट है, 4 बार विकेट लेस गया, 8 की इकोनॉमी है, 21 का स्ट्राइक रेट है, वेन्यू पर 1 मैच में 1 विकेट है। मैसन ग्रीन 9 मैचेस में 14 विकेट हैं, बॉल फर्स्ट 6 मैच में 7, बॉल सेकंड 3 मैचेस के अंदर 7 विकेट है। क्या आप मैसन ग्रीन को टीम में ले पाओगे, क्योंकि इस सीजन के अंदर भाई का फॉर्म देखो, 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट रहा है, और ये टीम 6 बॉलर के साथ उतर रही है। अगर 5 बॉलर के साथ टीम उतरती तो मैं क्रेन को पक्का रखता, पर 6 बॉलर के साथ उतर रही है इसलिए मैं देखता हूँ, टीम मैंने अभी तक बनाई नहीं है, वीडियो खत्म होने के बाद मैं टीम बनाऊंगा, मतलब सारे स्टैट्स दिखाने के बाद आपको। वेन्यू के ऊपर 3 विकेट निकाल चुका है, 6 की इकोनॉमी थी 1 ही मैच के अंदर बॉल सेकंड करते हुए। स्कॉट करी 1 मैच में 1 विकेट हेड टू हेड के अंदर, वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 1 विकेट, सेम डोनाल्ड का 5 मैच में 113 रन हेड टू हेड के अंदर। नेट गोबिन्स एक्स प्लेयर है मिडिल सेक्स का, वेन्यू पे 24 रन कर चुका है, सेकंड 11 खेल रहा था उसमें बॉलिंग कर रहा था प्रैक्टिस मैचेस के अंदर, टॉम प्रिस्ट को भी स्टार्ट्स उन्हें दे दिए थे। स्टार्टिंग ओवर क्रिस वुड, जेम्स फुलर, नैथन लिस, स्कॉट करी, ये चारों डालना चाहिए पावर प्ले के अंदर। ब्रैकेट में मैं क्यों रखता हूँ, ये तब बॉलिंग करते हैं ब्रैकेट के अंदर जब सामने कोई मैचअप होता है तब, पर इस मैच में मेरे को लग नहीं रहा है स्टार्टिंग ओवर डालेंगे। डेथ ओवर के अंदर नैथन एलिस, क्रिस वुड, स्कॉट करी, डेथ ओवर के अंदर फुलर कभी कभार आ जाते हैं जब ओवर बच जाते हैं वरना आमतौर पर नहीं डालते। क्रिस वुड का देखो पिछले मैच में 1st, 3rd, 16th था, एलिस का 6th, 13th, 18th, स्कॉट करी का 4th, 9th, 11th, 19th, सोच आप क्रिस वुड को 18th या 19th ओवर नहीं दिया, स्कॉट करी को दिया था उन्होंने 4 ओवर का स्पेल, अच्छा डाला था उसने। लियम डॉसन का 8th, 10th, 12th, 15th, क्रेन का 14th, 14th नहीं 14th, 7th, 17th, फुलर का 2nd, 5th था। फुलर एक तो सीनियर प्लेयर है जिसके ओवर्स कट सकते हैं जेम्स फुलर के। मैचअप्स की बात करते हैं, पीटर मलान वर्सेस जेम्स फुलर, 9 बॉल में 23 रन के 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। स्टीफन ज़कांजी वर्सेस मैसन ग्रीन, 3 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, 14 बॉल में 22 रन दे के, अच्छा मैच है इनका, मैसन वर्सेस स्टीफन ज़कांजी।
मैक्स होल्डन का कोई खास मैचअप नहीं है, जो क्रैकनर का कोई खास मैचअप नहीं है। व्यार एगिंस वर्सेस लियम डॉसन, 3 इनिंग्स के अंदर 2 बार आउट किया, 15 बॉल में 15 रन दे गए। क्रिस वुड ने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 7 बॉल में 10 रन दे गए। जॉन सिम्पसन शायद 11 में जगह न बना पाए जिस तरह का इनका रिसेंट फॉर्म चल रहा है। मार्टिन एंडरसन वर्सेस क्रिस वुड, 15 बॉल 12 रन, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। जेम्स विंस वर्सेस टॉम हेलम, मतलब वही एक ही बात है, जेम्स विंस को आउट कर सकते हैं या तो ब्लेक कुलेन नई गेंद से या तो टॉम हेलम। वैसे आमतौर पर ये दोनों डालते हैं ज़्यादातर। टॉम हेलम के सामने 42 बॉल 57 रन, 7 इनिंग्स में 2 बार आउट हुए। कुलेन के सामने 3 इनिंग्स में 1 बार आउट हुए। डैन मैकडरमॉट वर्सेस नेथन फर्नांडीज, लास्ट मैच में चलता कर दिया था भाई ने, सोचो आप, पार्ट टाइमर बॉलर ने। जो वेदरली का कोई खास मैचअप नहीं, रॉस वाइटली का जरूर है। रियान रिकिंस के सामने 15 बॉल 19 रन, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। लेट्स सी क्या होता है भाई साहब। फ्री के अंदर आपको ₹500 साइनअप बोनस मिलता है। कल बहुत बड़ा मैच है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, ₹1,00,000 का फ्री गिव अवे है, तो साइनअप कर लो वहाँ पे जाके। फ्री के अंदर आपको गिव अवे देखने को मिलेगा। 0 कमीशन कॉन्टेस्ट लाइव होता है, एंट्री फीस बहुत कम है, कंपेयर करके देख सकते हो। रेफर कोड स्टार्ट्स टू डू चेक इट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कॉमन कैप्टन विंस बाबा, बेन मैकडरमॉट, बड़ी लीग में बना बेन मैकडरमॉट को तो बनाना ही है। लियम डॉसन, पीटर मलान आर द डिफरेंशियल पिक अलॉन्ग विद द नेथन एलिस एंड लुक हॉलमैन कॉम्बो। 1 मिलियन का मिशन है, देखते हैं कब पूरा होता है। अपना मोबाइल ऐप है स्टैट्स गुरुजी नाम से, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वेबसाइट है statsguruji.com, जाके स्टैट्स चेक कर सकते हो। टोटल वीडियो के अंदर 65 स्लाइड्स है, ठीक है। तो यार वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, बहुत मेहनत मशक्कत लगती है सब आपके सामने प्रेजेंटेशन चलाने में, टीम्स की बात करते हैं। तो फिलहाल मेरी टीम ऐसी रह रही है कि इसके अंदर विंस कैप्टन है, बेन मैकडरमॉट वाइस कैप्टन। बेन मैकडरमॉट की सदस्य से कैप्टन जा सकते हो, मैं समझाता हूँ क्यों। एक तो कोई खास मैचअप नहीं है, प्लस एक और चीज़ यह है कि बेन मैकडरमॉट आपको कीपिंग से पॉइंट दे सकता है, विकेट कीपिंग करता है और उसको पॉइंट्स मिलते हैं। लियम डॉसन एक बहुत बड़ा स्मार्ट बॉलर है जो क्या करता है, स्टंपिंग बहुत करवाने के मौके देता है। फिर आप देखते हो क्रिस वुड टिपिकल टेस्ट वाला बॉलर है, 4th स्टंप पे बॉलिंग करता है तो इनसाइड एज लग के कॉट बिहाइंड हो सकते हैं प्लेयर्स। तो इस वजह से आप इनको एज ए कैप्टन भी रख सकते हो। मैंने लास्ट मैच में कैप्टन किया था, याद करो आप वाला गेम। जगानजी मार्टिन एंडरसन टीम में, लुक हलमैन है। दिल यार हमेशा मेरा रियान एगिंस को लेने का रहता है, पर रियान एगिंस ने जिस तरह से रिसेंटली परफॉर्मेंस दिया है, बहुत खराब प्रदर्शन दिया है। टॉम हेलम टीम में स्कॉट करी है, ये दोनों को जनता ने बहुत कम लिया हुआ है। तो लेट्स सी क्या होता है इस क्लैश के अंदर। बड़ी लीग्स में देखो क्या करना है, मैं आपको बेसिकली एक चीज कहूँगा, कीपिंग में 2 प्लेयर्स है, बेन मैकडरमॉट जो क्रैकनेल, दोनों इंपॉर्टेंट है। बैटिंग में देखते हो तो आपको यहाँ पर एक प्लेयर मिलता है, कौन मिलता है मैं बताता हूँ एक मिनट आपको। कहाँ गया अपना भाई वो कीपिंग में, तो उसको क्यों नहीं डाला भाई लोगों ने, नहीं डाला उसको। जगानजी इंपॉर्टेंट है, विंस इंपॉर्टेंट, पीटर मलान इंपॉर्टेंट है। होल्डन को ग्रैंड लीग में ट्राई करना, इस टीम के अगेंस्ट नंबर अच्छे हैं। होल्डन इज ग्रैंड लीग पर, जैक डेविस उसको ढूंढ रहा था मैं, कीपिंग सेक्शन में डालना चाहिए था जैक डेविस को। इस टूर्नामेंट के अंदर 2 या 3 मैचेस इसने खेले हैं, 3 मैचेस, और 2 मैचेस में देखो 51 और 85 पॉइंट्स दिया है। इज अ गुड प्लेयर ग्रैंड लीग के अंदर, जैक डेविस डिफरेंशियल पिक बन सकता है, लोअर ऑर्डर में आता है, हिटिंग करता है। यहाँ से टॉम प्रिस्ट एक अच्छा पिक होता लेकिन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आप टॉबी अल्बर्ट को ट्राई कर सकते हो। देख रहे आपको टॉबी अल्बर्ट अच्छा प्लेयर है, एसेक्स के अगेंस्ट काउंटी ग्राउंड चेल्सवॉर्ड के ऊपर जहाँ पे छोटी बाउंड्री थी 54 पॉइंट्स दिया था, तो कुछ कुछ आपको ऐसा करके दे सकता है ये। ऑलराउंडर में लियम डॉसन इंपॉर्टेंट, फुलर का बॉलिंग का डाउटफुल रहता है हमेशा, सीनियर प्लेयर है, कितने वो डालेंगे लेट्स सी। हिगिंस इस कंडीशंस में स्पेशल होना चाहिए, छोटी बाउंड्रीज जहाँ पर फास्ट बॉलर स्पिनर्स मार खा जाएंगे, तो रियान हिगिंस की तरफ कैप्टन रुक कर सकते हैं जगानजी। तो रियान हिगिंस में लास्ट मिनट पे कॉल लूंगा, एंडरसन खेलते हैं तो पक्का, एंडरसन नहीं खेले तो रियान हिगिंस टीम में आ जाएगा। लुक हॉलमैन को लिया हुआ है, बॉल सेकंड में ज्यादा इंपॉर्टेंट है लुक हॉलमैन, और बैटिंग कर लेते हैं दैट्स वाई। एलिस इंपॉर्टेंट, वुड इंपॉर्टेंट, स्कॉट करी अच्छा डाल रहा है, मैसन ग्रेड को मैं ले सकता हूँ एट लास्ट मिनट। टॉम हेलम को फिलहाल लिया, डेथ रो स्पेशलिस्ट है। देखते रहे स्टैट्स गुरुजी, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। सी सून, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑलवेज आपका दिल आपका भाई स्टैट्स गुरुजी आपके लिए वीडियो लाता रहेगा।